अब उसमें नमक नहीं है सब चीजें। बाबा को भोग लगती बेल बजता है, रिकॉर्ड बजता है और सब खाने पर फूटते हैं। उस समय जो भी बाबा के बच्चे थे उस बिना नमक की सब्जी को खाते, कोई नाक चढ़ाता, कोई फेंकता, कोई खाता, कोई क्या करता, तो ये ब्रह्मा भोजन का अपमान होता। इसीलिए बाबा ने ये मिस्टेक ठीक कराई और उस दिन से ये आदेश दिया कि जो निमित्त आत्मा है भंडारे की, वो पहले भोजन को एक केवल एक चखे, उसके बाद बाबा को भोग लगाए। और उस दिन से ये प्रथा शुरू है कि सूर्य भाई वहां होते हैं कहीं भी तीनों जगह में, तो वो भोजन को चखते हैं पहले, केवल एक, यानी कि सभी चखा चुकी शुरू कर दो। कई हमने देखा है माताओं की आदत होती है, बहनों की आदत होती है, भोजन बना रही है इधर से भी उधर से भी ऐसे, उसको खाने वाले की भूख ही खत्म नहीं होती, वो भूखे रहते हैं, वो भी ढूंढते रहते हैं उधर कुछ पड़ा है क्या, कुछ मीठा है क्या, कुछ ये है क्या, क्योंकि जैसे भाव से बनाया वैसा ही खाने वाले की आदत हो जाएगी। इसीलिए रसोई में जाकर मुंह बंद, जब तक हम भगवान का भोग बना रहे हैं पहले खुद को तृप्त कीजिए। हम जगन्नाथपुरी गए, कहते वहां जगन्नाथ जी को 56 प्रकार के भोग लगते हैं कई बार दिन में, तो वहां के लोग उनको पेटू जी भगवान भी बोलते हैं, वो खाते हैं 56 प्रकार का भोग बनता है वहां पे, और दिन में कई बार बनता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई उनको कि यहाँ के जो पंडित हैं जो भोग बनाते हैं, यहाँ का नियम क्या है कि भोग बनाने से पहले उन्हें बहुत अच्छी तरह से छका दिया जाता है खिला खिला के, बहुत अच्छी तरह से उनकी भूख खत्म कर दी जाती है, जबरदस्ती रख उनको बोल बोल के ये दिखाओ, ये और खाओ, और खाओ, और खाओ, यहां तक भर दिया जाता है, और फिर उनको कहते कि अब बनाओ। तो वो तृप्त मन से मनाते थे, उन्हें भूख नहीं लगती, उनकी आसक्ति नहीं जाती, इच्छा नहीं जाती, तृप्त मन से वो भोग बनाते हैं। और वहां की ये मान्यता है कि जगन्नाथ जी को जो भोग चढ़ता है इतना से में ही पेट भर जाता है, कितना भी कोई भूखा हो केवल इतने से में पेट भर जाता है, तृप्त हो जाता है इंसान। क्यों बनाया, किस भाव से, किस भाव से बनाया? तो भगवान को जब भोग लगाए तो संकल्प में भी वो झूठा ना हो, संकल्प में भी झूठा नहीं होना चाहिए। अगर वो संकल्प में भी झूठा हो गया तो वो परम पवित्र सत्ता उसको स्वीकार नहीं करेगी।